और चलिए अब सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आज SBI को देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल SBI की याचिका को खारिज कर दिया था। 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ब्यौरा डालना होगा, ये भी कहा गया। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। चुनावी बॉन्ड पर फंदा, SBI पर चला सुप्रीम डंडा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पाई पाई का दो हिसाब। गुप्त चंदे पर गाज, आज खुल जाएगा राज। सुप्रीम कोर्ट का हंटर, चुनावी बॉन्ड का सरेंडर। जिस देश में 50,000 से ज्यादा लेन देन पर पैन नंबर देना पड़ता है, उसी देश में साल 2018 से लेकर अब तक राजनीतिक पार्टियों को 16,000 करोड़ रुपए का गुप्त चंद मिल चुका है और किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही चुनावी बॉन्ड से चंदे वाली स्कीम बंद कर चुकी है, तो अब कोर्ट ने SBI को सिर्फ चंद घंटों की मोहलत दी है एक एक पाई का हिसाब का ब्यौरा देने के लिए। SBI ने सुप्रीम कोर्ट से 30 मार्च तक का वक्त मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। SBI को अब 12 मार्च यानी आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा, तो 15 तक ये ब्यौरा EC वेबसाइट पर पब्लिश भी करना होगा। SBI ने कोर्ट से मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि हिसाब फौरन देना होगा। डिजिटल पेमेंट के जमाने में हर चीज को पारदर्शी किया गया है, लेकिन वो सच जनता से छिपाया गया जिसमें गुप्त चंदे के नाम पर सियासी दलों ने जमकर मलाई खाई। तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर चढ़ाई कर दिया। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को घबराहट किस बात की है। ये लोग तो वादा करते हुए आए थे कि स्विस बैंक तक के अकाउंट सबके सामने सार्वजनिक कर देंगे, SBI तक के करने में घबरा रहे हैं क्यों? सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई कैश नहीं दिया है किसी ने। बाकायदा किसी कंपनी ने अपने अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया होगा, वो जानकारी SBI के पास है। तो ये सारा रिकॉर्ड तो है SBI के पास। ये सिर्फ जो है सरकार के दबाव में SBI इसको छुपा रहा है, और जितना छुपा रहे हैं उससे देश को ज़्यादा शक हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और SBI को चाहिए कि तथ्यों के साथ निर्धारित समय में वो सारे डिटेल प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव का भी हम स्वागत करते हैं, जिसमें 15 मार्च तक सारी औपचारिकताएं उनको पूरी करनी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना आदेश जारी करते हुए पहले ही चुनावी बॉन्ड को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। सियासी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड ने जमकर फायदा पहुंचाया। चुनावी बॉन्ड की योजना पूरी तरह से गोपनीय थी। SBI इस बॉन्ड को जारी करता था तो बॉन्ड किसी पार्टी ने खरीदा होता था उसे भी गुप्त रखा जाता था। हालांकि जो पार्टी इस बॉन्ड को कैश कराती थी उसकी जानकारी बैंक अपने पास रखती थी। चुनावी बॉन्ड पर अब हल्ला खास ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के चलते सियासी शोर भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ खिलवाड़ मानकर पहले ही चुनावी चंदे वाले इस खेल पर हंटर चला दिया था, तो अब कोर्ट चाहती है कि हर चीज सार्वजनिक हो। SBI को समय चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने साफ ये कह दिया कि SBI के पास समय कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।